हेलो फ्रेंड्स, कुलेश किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मूली की साग बनाएंगे बेसन के साथ। इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम मूली के मैंने भाजी ली है, इसे अच्छे से धो लिया है, धो के बारीक काट लिया है। तो ये मैंने लिया है 500 ग्राम। इसके लिए मैंने लिया आधा कप बेसन, 3 से 4 चम्मच बेसन ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे नमक टेस्ट के अनुसार। 1/4 चम्मच मैंने लिया है कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच मैंने लिया है हल्दी पाउडर, जीरा दरदरा कूटा हुआ जीरा लिया मैंने आधा चम्मच, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली हैं जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और 2 हरी मिर्च जिसे भी मैंने भी इसे बारीक काट लिया है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसन को ड्राई रोस्ट कर लेंगे सूखी कढ़ाई पे। इसे हमें हल्का सा भून लेना है थोड़ी सी खुशबू आते तक। बेसन को हमने 2 मिनट तक के ड्राई रोस्ट कर लिया है, इसे प्याले में निकाल लेंगे। बेसन को हमने कटोरी में निकाल लिया है और उसी फ्राइंग पैन में हम 1 चम्मच तेल डाल लेंगे, गरम करने रखेंगे। मैंने तेल चढ़ा लिया है। अब आइए हम भाजी बनाना शुरू करते हैं। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च, लहसुन और जीरा पाउडर। इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे मूली के जो हमने पत्ते काट के रखे हैं, और अच्छे से मिला के इसे हम ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। आइए हम अपनी सब्जी चेक कर लेंगे। देखिए सब्जी बहुत अच्छे से सिझ चुकी है। इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे नमक, इसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें एक बारीक कटा हुआ टमाटर डाल सकते हैं, टमाटर डालना ऑप्शनल है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। इसे फिर से हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इस तरीके से इसे मैश कर लेंगे और सब्जी को अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम डाल देंगे जो हमने रोस्ट करके बेसन रखा है, और लो फ्लेम पे इसे हमें 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से चम्मच चलाते हुए भून लेना है। हल्की सी हमें खुशबू आने लगेगी, इसे अच्छे से मिला लेंगे। सब्जी को हमने अच्छे से भून लिया है और हमारी मूली की भाजी जो है बनके तैयार हो गई है बेसन के साथ। गैस बंद कर लेंगे और इसे हम प्याले में निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी मूली की भाजी जो है बेसन के साथ बनके तैयार है। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। मूली की भाजी बनाते समय ध्यान रखेंगे, बहुत ही सॉफ्ट पत्तों को यूज़ करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।